वायर ऑफ स्टूडियो में पथराव करेंगे, बॉटल फेंकेंगे, नंगे होके भागेंगे उनके सामने, फिर बोलना मत वायर ऑफ वालों कि तुम टीजर क्यों नहीं छोड़ रहे, वरना यही मफलर से तुम्हारा गला घोट दूंगा, देख लेना आप तुम लोग। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटिनी में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, टाइगर 3 का टीजर को लेके इतना एक्साइटमेंट मैंने कभी पहले नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, वो चाहे फैंस हो या आम ऑडियंस हो, हर इंसान देखना चाहता है जल्द से जल्द टाइगर 3 का टीजर। लेकिन 27 तारीख का एक उम्मीद थी जो कि उम्मीद खत्म हो गई, क्योंकि टाइगर श्रॉफ की मच अवेटेड मूवी गणपत का टीजर अनाउंसमेंट हो गया है। इस पर चर्चा करने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे हेलमेट मैन, और ये देख सकते हो पूरा रेडी है हम टाइगर के रूप में। शिकार तो सब करते हैं, बट टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। क्या बात है। तो चलिए इनसे जानने की कोशिश करेंगे टीजर को लेकर कितना एक्साइटेड है, और 27 तारीख को जो गणपत का टीजर आ रहा है उस पर इनकी क्या राय है, चलिए जानते हैं। जानते हो मुझे रॉ में टाइगर क्यों बुलाते? क्योंकि जख्मी टाइगर से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। तो यार 27 को टीजर आने वाला था। डे बाय डे मतलब बेचैनी बढ़ती जा रही है। भाई से प्यार बढ़ता जा रहा है, बट वायरफ वालों के कान में जू तक नहीं रेंग रही कि सालो टीजर छोड़ दो यार, टीजर एटलीस्ट छोड़ तो दो, कुछ तो छोड़ दो। बस फर्स्ट लुक दे के भाई सो रहे थे मफलर में, कैटरीना लड़ रही थी उसको दे के मतलब भूल गए क्या? हाँ, सिर्फ ये दे के भूल गए, और पूरा ध्यान तुम लोगों ने उस पर लगा दिया, द ग्रेट इंडियन फैमिली पे। हाँ मतलब भाई का प्रमोशन कुछ नहीं, देख रहे हो फैंस की दीवानगी यार, मतलब मफलर में हेलमेट में क्या कुछ नहीं मिल रहा वो पहन के आ रहा हूँ, फिर भी यार तुम लोग टीजर नहीं डाल रहे। और एक मतलब उम्मीद जगी थी कि चलो अब जाकर 27 तारीख को टीजर देखने मिलेगा, सुकून मिला था अंदर से, आत्मा मतलब जागी थी कि भाई का फर्स्ट लुक कुछ ना कुछ रिवील होगा, इमरान हाशमी देखने मिलेंगे, चुम्बन देवता देखने मिलेंगे, वो भी नहीं हुआ, और अब उसकी जगह पे आ रहा है नकली वाला टाइगर। असली टाइगर की जगह आ रहा है नकली टाइगर, टाइगर शॉप छोटी बच्ची हो क्या? अरे व्हाट इज दिस यार, मतलब भाई आना चाहिए थे। अक्कल के आने के शक्ल के बिगड़ने के क्यों इंतजार कर रहे थे तुम? कैसी मेरा बेटा टाइगर, टाइगर वेयर इज टाइगर? यशराज टाइगर कहाँ है? मुझे तो लग रहा है टाइगर तुमको ही चीर फाड़ के खा गया है। अब यार इंतजार और बढ़ने वाला है, मुझे नहीं पता टीजर अब कब आएगा। मैं तो जा रहा हूँ मतलब कोई चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाऊंगा यार, ऐसा लग रहा है मेरे को टाइगर का टीजर चाहिए, मतलब चाहिए टप्पू के बम्बा, टाइगर का टीजर चाहिए। टाइगर की टीजर नहीं आ रही है, अब टाइगर श्रॉफ की गणपत का टीजर आ रहा है, उसको देख के आप एंजॉय करो उस दिन। और क्या? अरे भाई देखो, गणपत को मतलब देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, मैं सिर्फ भाई का फैन हूँ और खान्स का ही फैन रहूंगा, चाहे वो शाहरुख हो, आमिर हो, सलमान हो, और सलमान खान का तो यार डाई हार्ट फैन हूँ, देख सकते हो मेरे को, मेरे अंदर आत्मा घुस चुकी है सलमान खान की। और यार क्या ही बताओ कि मतलब टीजर के लिए कितना एक्साइटेड था मैं टाइगर श्रॉफ के लिए बिल्कुल भी नहीं हूँ। छोटी बच्ची हो क्या? मतलब छोटी बच्ची को नहीं देखना यार, है कि बंदर की तरह कूदता है, छलांग मारता है, क्या करूँगा देख के, बॉक्सर बना होगा और थोड़ा बहुत, और क्लैश भी किसके साथ कर रहा है, लियो और वो टाइगर, वो देखो पीछे ना रवि तेजा, हाँ उसके साथ क्लैश कर रहा है यार, मतलब क्या ही मतलब है, उसको तो छोड़ ही दो उसका टॉपिक, मुझे बस सलमान भाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वरना गैलेक्सी के बाहर जाके धरना मारूंगा अगर नहीं आया ना अगर टीजर जल्द से जल्द, पूरे फैंस लोग को लेके गैलेक्सी के बाहर बैठ जाऊंगा यशराज के ऑफिस में, वायर ऑफ स्टूडियो में पथराव करेंगे, बॉटल फेंकेंगे, नंगे होके भागेंगे उनके सामने, फिर बोलना मत वायर ऑफ वालों कि तुम टीजर क्यों नहीं छोड़ रहे, वरना यही मफलर से तुम्हारा गला घोट दूंगा, देख लेना आप तुम लोग। ये फैंस की दीवानगी समझ गए, अगर जल्दी से जल्दी टीजर छोड़ो वरना तुमको दुनिया छोड़नी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू वेलकम।